हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू शेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आई क्यू शेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी जॉब अपडेट होने वाली है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ पर आपकी पोस्ट आई हुई है, जिसमें बीटेक कैंडिडेट और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस किस फील्ड के अंदर यहाँ पर जॉब है, आपको डिटेल में सारी चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। तो पहली पोस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल है। आपने अगर बीटेक 4 साल का रेगुलर कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो आपका 55% के साथ आपका रहना चाहिए डिप्लोमा वगैरह, और 60% आपका जो है आपका यहाँ पर अगर है जनरल कैटेगरी में तो आपका यहाँ पर रहेगा, 55 आपका ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर की, तो उसमें आपके पास देखिए यहाँ पर जो है केमिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास बीटेक या 3 साल का डिप्लोमा के बाद बीटेक है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे आपकी 10 है। अगर हम बात करते हैं नंबर आके मैकेनिकल की तो यहाँ पर 6 सीट हैं टोटल। आपके पास बीटेक है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के साथ बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसके अंदर भी आपका सेम 10 सीट है, जिसमें आप लोग के लिए वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करी गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो कैंडिडेट है तो 4 टाइप की मतलब आपका रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन या एलाइड जो भी डिग्रीज होती हैं इससे रिलेटेड, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिविल की, तो एक ही सीट है सिविल की यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में भी यहाँ पर आपकी टोटल 4 सीट हैं, जिसमें आपका बीटेक आपका केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में है तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपकी अगली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लैब, सीसी लैब की है, तो इसमें आपके पास पीएचडी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, तभी इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे मार्केटिंग की है, तो आपके पास जो है देखिए यहाँ पे आईसीआर एग्रोनॉमिक्स साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट है 37। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, सेफ्टी कैटेगरी, लैब, मार्केटिंग की मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपका आईटी में, तो आईटी में आपका बीटेक होना चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में तो आपके पास एमबीए होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अगली पोस्ट जो एचआरडी की, इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि आपका एमबीए वगैरह भी है, तो अभी इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपका एमबीए आपके पास मांगा गया है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिजर्वेशन, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रहेगा। 1,000 रुपये यहाँ पर आपका फीस है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस यहाँ पर में फीस में आपको छूट मिलेगी। और यहाँ पर देखिए आपकी जो है आपका स्टाइपेंड आपको मिलेगा 30,000 रुपये, जिसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी। उसके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका लगभग 40,000 से 1,40,000 का बेसिक रहेगा, और इस बेसिक पे सारी चीज़ें आपका टीए डीए कैलकुलेट होगा, तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 80,000 के आसपास यहाँ पर इन हैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि अलग अलग डिफरेंट बड़े बड़े जोन सारे सेंटर्स में यहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर पूरा दे रखा है कि आपका किस तरीके से आपका क्या क्या आपको चाहिए होगा, रिपोर्टिंग लेट नहीं करना आपको, ये सब चीज़ें आपका रहेगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा, जिसमें 1/7 यानी अगर एक सीट है तो 7 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और एक को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू का क्या क्या वेटेज है, 80% आपका ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 20 का वेटेज रहेगा, टोटल आपका 100 का वेटेज रहेगा, और यहाँ पर आपका 2 डेसिमल तक काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेडिकल होगा। अप्लाई करने के लिए आपका देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आप लोग पहले से खींच कर रखें, और फिर ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे आप लोग को दे रखा है, इसे आप लोग भरेंगे और आप लोग लिखेंगे एक पेज पे, और उसको बाद में आप लोग अपलोड करना पड़ेगा। अप्लाई आप rfcl.com की साइट पर जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, और फोटो की गाइडलाइन और ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग देख लीजिए कि आपके फ़ोटो वगैरह में कुछ ऐसी दिक्कत ना रहे, फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए तो आपको कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी गलत फॉर्म भरेगा तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका पूरा जो भी इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन आपका 26/7 से लेकर 9 अगस्त तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी डेट आप लोग को ध्यान रखनी है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी पेपर पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न किस टाइप का आता है, किस टाइप से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक वीडियो थी RCFL की, जिसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई थी, जो कि मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कैसे करके अप्लाई करना है, क्या आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।